ये तो गुनाह मुझसे बच। मैं तो शादी नहीं हुई, मैं फिर पॉर्न नहीं देखूंगा या जिना नहीं करूंगा या मैं हराम रिलेशन नहीं रखूंगा, तो मेरी और मैं करूंगा क्या? आखिर मैं नौजवान हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी नहीं कर रहे, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं सूदी जॉब नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? देखिए सुभान अल्लाह, इब्लीस की नेचर क्या थी, सिफ्त क्या थी, कि पहले अल्लाह की नाफरमानी की, फिर जस्टिफाई किया और फिर अल्लाह को ब्लेम करना शुरू हो गया। और यही सेम सिफ्त, यही सेम मेथडोलॉजी वो हमारे साथ प्ले करता है, हमसे पहले गुनाह हो जाते हैं। और नो डाउट कि हर आदम की औलाद से गुनाह होता है, और हर गुनाह करने वाले मतलब द बेस्ट ऑफ सिनर्स आर दोज हु रिपेंट, ये एक जनरल होता है, तो इंसान से गुनाह हो जाते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? तौबा करता है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे, मैं फिसल गया, मैं गुमराह हो गया, मेरी माफ़ी, मुझे आप बख्श दीजिए, और मैं कभी आपके कभी मैं आइंदा गुमराह में नहीं जाऊँगा, कभी गुनाह नहीं करूँगा, मैं जानबूझ से कभी इस गुनाह में नहीं पड़ूंगा, ये इंसान का नेचर है। लेकिन जब वो दोबारा गुनाह करता है, दोबारा गुनाह करता है, हत्ता कि इंसान को उसमें लज्जत नहीं आने शुरू हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है? ऐसा ऐसा सिंस को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। इंसान कहता है, आई हैव माई रीजन्स, आई वॉज क्रिएट दिस वे, मुझे तुम मेरे सर्कमस्टांसिस को नहीं जानते हो, मैं रह नहीं सका, तुम तो रह सकते, तुम तो दीनी माहौल में रहते हो, तुम्हारा घर में दीनी माहौल है, मेरे तो घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मेरे घर में तो स्टार प्लस चल रहा होता है और ये मूवीज चल रही होती हैं, तो मैं तो फिसल नहीं था ना। इंसान अपने गुनाह को जस्टिफाई करना शुरू करता है, मैं उससे बचा ही नहीं गया, मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरबियत नहीं की, जस्टिफाई करना शुरू करता है। दिस इज सेकेंड स्टेप। और फिर इंसान मजीद जब गुमराही में बढ़ता जाता है और गुनाह करता जाता है, व्हाट हैपेंस इज तीसरे स्टेप पे आ जाता है कि ब्लेमिंग अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह वांट्स इट दिस वे, अल्लाह अगर चाहते तो देखे मुझे हिदायत दे देते, अल्लाह ताला अगर चाहते तो मुझे गुमराह ना करते, अल्लाह चाहते तो मेरे साथ ये वाक़या ना होता जिसकी वजह से मैं इस तरफ आया हूँ। ब्लेमिंग अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाहू अकबर, एग्जैक्टली व्हाट इब्लीस डिड, पहले नफरमानी की, फिर जस्टिफाई की, और फिर अल्लाह को ब्लेम करना शुरू कर दिया। हम भी नफरमानी करते हैं, तौबा ना कर तो बार बार करने के बाद जस्टिफाई करते हैं कि ये तो गुनाह मुझसे बच, मैं तो शादी नहीं हुई, मैं फिर पॉर्न नहीं देखूंगा या जिना नहीं करूंगा या मैं हराम रिलेशन नहीं रखूँगा, तो मेरी और मैं करूँगा क्या? आखिर मैं नौजवान हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी नहीं कर रहे, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं सूदी जॉब नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा? जस्टिफाई अल्लाह, ये इब्लीस की नेचर है। आदम की नेचर क्या थी? गुनाह हो गया, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, या अल्लाह हमसे ज़ुल्म हो गया, और अगर आपने हमें माफ़ ना किया और हम पे रहम ना किया तो हम यकीनन गुमराहों में से, हम लूजर्स में से हो जाएंगे, या अल्लाह आपने माफ़ करना है मुझ में, मैं ज़ालिम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। ये नेचर है आदम की और आदम की औलाद की। और जो करप्ट नेचर है इब्लीस की और इब्लीस के फॉलोअर्स की, वो ये है कि जस्टिफाई करना, मेरे पेरेंट्स ऐसे मेरे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं, मेरे हालात इतने ख़राब क्यों हैं, मेरे साथ ये केस क्यों हुआ, मुझे उसने डिस क्यों किया, मुझे उसने धोखा क्यों दिया, तो जो मैं मेरी कंडीशन है, या अल्लाह आप मुझे हिदायत नहीं देना चाहते, अगर आप मुझे हिदायत देंगे तो मैं आ जाऊँगा आपके रास्ते पर। सुभान अल्लाह, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इब्लीस डिड।